फ्रेंड्स, बॉलीवुड बस के साथ मैं कीर्ति एक बार फिर से हाजिर हूँ। आइए डालते एक नज़र बॉलीवुड गलियारे पर। मोगैम्बो खुश हुआ और बोला, आओ कभी हवेली पर, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कुछ ऐसे ही बेहतरीन डायलॉग आज भी लोगों को इस महान कलाकार की याद दिलाते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ। बॉलीवुड में अगर किसी खलनायक की बात की जाए तो सबसे पहले जिस एक्टर का नाम दिमाग में आता है तो वो है अमरीश पुरी। और जब बात की जाए अमरीश पुरी की तो सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है वो है मोगैम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी ने अपने फिल्मी करियर में न केवल एक खूंखार खलनायक बल्कि एक प्यार करने वाले पिता और एक देशभक्त का किरदार भी निभाया। अमरीश पुरी ने फिल्मों में हीरो बनने की उम्मीद में कदम रखा था, लेकिन अपने पहले स्क्रीन टेस्ट में असफल रहने के बाद उन्होंने LIC की नौकरी की। स्टेज एक्टर के तौर पर अमरीश पुरी ने बहुत ज्यादा पहचान बनाई और 1979 में उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी जीता। हिंदी फिल्मों में अमरीश पुरी ने फिल्म रेशमा और शेरा से कदम रखा था। हिंदी के अलावा अमरीश पुरी ने कन्नड़, मराठी, हॉलीवुड, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अभिनय किया। अपने फिल्मी करियर में अमरीश पुरी ने 400 से भी अधिक फिल्मों में अभिनय किया था। उनकी कुछ फिल्मों के डायलॉग ऐसे थे जो आज भी लोगों को मुंह जबानी याद है। अमरीश पुरी को हैट पहनने का काफी ज्यादा शौक था और उनके पास दुनिया भर से 200 से भी अधिक तरह की हैट मौजूद थी। अमरीश पुरी को साल 2006 में आखिरी बार फिल्म कच्ची सड़क में देखा गया। अमरीश पुरी को एक दुर्लभ प्रकार का रक्त कैंसर था और साल 2004 में हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सर्जरी हुई। 12 जनवरी 2005 को उनकी मृत्यु से कुछ समय पहले अमरीश पुरी कोमा में चले गए थे। भले ही ये महानायक आज हमारे बीच ना हो, लेकिन इनके डायलॉग्स हमेशा ही इनकी याद दिलाते रहेंगे। खुश हुआ। बढ़ते हैं मनोरंजन की दूसरी खबर की ओर। शूटिंग के समय सनी लियोन की बिगड़ी तबीयत, रास्ते में ही फैंस ने की ऐसी हरकत। सनी लियोन इन दिनों तमिल फिल्म वीर महादेवी की शूटिंग कर रही हैं। इसके अलावा सनी MTV के पॉपुलर शो स्प्लिट्सविला 11 को भी होस्ट कर रही हैं। फिलहाल सनी के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। दरअसल सनी 7 जून को स्प्लिट्सविला 11 की शूटिंग के लिए रामनगर पहुंची थी, यहां उनकी तबीयत खराब हो गई। शूटिंग के दौरान सनी के पेट में तेज दर्द उठा, इसके बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उनका अल्ट्रासाउंड हुआ और तबीयत सुधरने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। सनी लियोन की तबीयत को देखते ही शो की शूटिंग रोक दी गई। बता दें कि सनी लियोन इस शो को रणविजय सिंह के साथ होस्ट कर रही हैं। हॉस्पिटल के कुछ लोगों ने सनी लियोन की तस्वीर लेने की कोशिश भी की, लेकिन बॉडीगार्ड ने उनके फोन ले लिए। हालांकि बाद में उनके फोन भी वापस कर दिए गए। बढ़ते हैं मनोरंजन की तीसरी खबर की ओर। मॉल में देखते ही देखते काजोल के साथ हुआ ऐसा हादसा, वीडियो देख करके हैरान रह जाएंगे उनके सभी फैंस। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल भले ही कुछ समय से बड़े पर्दे से दूर हो, लेकिन उनका चार्म आज भी इंडस्ट्री में बरकरार है। काजोल कुछ ही समय पहले ही सोशल मीडिया से जुड़ी है और अक्सर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती रहती है। हाल ही में एक्ट्रेस के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो में आप देखेंगे कि काजोल किसी इवेंट में हिस्सा लेने आ रही थी, तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे देख आसपास के लोग हैरान रह गए। ये वीडियो एक मॉल की है। वीडियो में आप देखेंगे कि काजोल आराम से जा रही थी, लेकिन देखते ही देखते उनका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ी। वीडियो में नजर आया कि काजोल का अचानक से संतुलन बिगड़ा और वो गिर जाती हैं। हालांकि काजोल अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन खुद को नहीं संभाल पाती हैं। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनको काफी चोट आई होगी। हालांकि इस बारे में उन्होंने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। काजोल ने हाल ही में रिलीज फिल्म इलास्टिक गर्ल इनक्रेडिबल्स 2 में अपनी आवाज दी है। इस बारे में बात करते हुए काजोल ने कहा, मेरी हॉलीवुड फिल्मों में रुचि है, जो भी कहानी मुझे अच्छी लगती है मैं उसके लिए काम करना चाहती हूँ। फिलहाल तो हम यही उम्मीद करेंगे कि काजोल को ज्यादा चोट ना लगी हो और वो जल्दी ही रिकवर हो जाए। आइए आपको बता दें छोटे पर्दे की बड़ी खबर। टीवी की किन्नर बहू ने अपने बॉयफ्रेंड संग लिए 7 फेरे और शादी में जमकर लगाए ठुमके। छोटी बहू से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सास बिना ससुराल और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे सीरियल से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस रुबीना दिलाइक की शादी जोरों शोरों पर है। उन्होंने गुरुवार बॉयफ्रेंड अभिनव शुक्ला के साथ शादी की। छोटे पर्दे पर किन्नर बहू के नाम से फेमस हुई रुबीना की शादी की पहली तस्वीरें सामने आई। यूं तो रुबीना दिलाइक ने शादी की रस्मों की कई तस्वीरें अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, लेकिन उनके फैंस उनकी शादी की तस्वीरें देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक थे। जी हाँ, तो परेशान ना हो, न केवल शादी की तस्वीरें बल्कि शादी की वीडियोज भी सामने आई।
फोटो में वह सफेद रंग के दुल्हन के लिबास में काफी खूबसूरत नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, रुबीना दिलैक ने शादी की कई वीडियो शेयर करते हुए जिसमें वो अभिनव शुक्ला के साथ शादी के फेरे और जयमाला करती नजर आई। आपको बता दें कि रुबीना दिलैक ने अपनी शादी शिमला में की। शादी की सभी रस्में पहाड़ी रीति रिवाज से हुई। इससे पहले रुबीना और अभिनव की सगाई की तस्वीरें भी सामने आई थी। अपनी सगाई में रुबीना ऑलिव कलर की इंडो वेस्टर्न ड्रेस में नजर आई थी, वहीं अभिनव ब्लू कलर के कुर्ते पजामे में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। ये थी एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। ऐसी और भी अपडेट्स के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।